भाभी अभी तो आप बस सामान हैं, जब माँ बनेंगी तब दूध भी पी लेंगे। हेलो गाइस, स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसा कि डॉक्टर ने सिमरन के बारे में कट्टा भैया को सब कुछ बता दिया था और अब कट्टा भैया को मिल गई थी सिमरन की फोटो, जिसे वो बस निहारे जा रहे थे। कट्टा भैया के बंदे इसको बताते हैं कि ये अवधेश की बीवी सिमरन है। तो कट्टा भैया बोलते हैं ये सिमरन नहीं अब तुम्हारी भौजी बनेगी। कट्टा भैया ने पूरा मन बना लिया था कि सिमरन से शादी करनी ही करनी है और कट्टा भैया ने अपने आदमियों को बोल दिया था कि जाओ अवधेशवा को बोल दो कि हमने मिलने बुलाया है। अब यहाँ गाँव में किसी की शादी के कार्यक्रम में सब खा पी कर नशे में धुंध एकदम नाचे जा रहे थे और अवधेश ने भी एकदम पी रखी थी। तभी अवधेश आता है और भोजपुरी गाना चेंज करके इंग्लिश गाना लगा देता है और इस वजह से सब उसके पे भड़क गए थे कि वो इंग्लिश गाना क्यों लगा दिया है। सब बोल रहे थे कि बीवी के आते ही अंग्रेज का चौदह हो गया है क्या बे। तभी कट्टा भैया के गुंडे आ जाते हैं और अवधेश को बोलते हैं कट्टा भैया ने आपको मिलने बुलाया है। और अवधेश डर जाता है और बोलने लगता है हमने कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया, और इतना बोल के वो गुंडे वहाँ से चले गए थे। और यहाँ घर पे अवधेश से ना खुश उसकी बीवी सिमरन अपने उंगलियों के सहारे ही अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही थी और वो बाथरूम में जाकर मस्टरबेट करके खूब मजे कर रही थी और तो और अपने आप को मोबाइल पे रिकॉर्ड भी कर रही थी। वो अपनी उंगलियों में घी लगाकर भी मजे लेने की कोशिश कर रही थी। तभी इसकी सासू माँ यहाँ गिर जाती है और ये सिमरन को बुलाने लगती है तो सिमरन घाई घाई में बिना हाथ धोए यहाँ पे पहुँच जाती है और जैसे ही वो अपनी सासू माँ को उठने के लिए हाथ देती है उनके हाथों पे घी लग जाता है और वो बोलती है छी 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 ये घी हम खाते हैं लगाते नहीं हैं, पता नहीं क्या सिखा के भेजा है इसकी माँ ने इसे यहाँ। तो सिमरन भी गुस्से में बोलती है कि आपके सुपुत्र से तो कुछ होता है नहीं। तो इसकी सासू माँ बोलती है हमसे जुबान मत लड़ाओ। तभी समर यहाँ आ जाता है और बोलता है क्या किया भाभी ने और ये उल्टा सुल्टा बोलने लगता है। तो सिमरन बोलती है देखो भाभी माँ समान होती है। तो समर बोलता है अभी तो आप बस समान हो, जब माँ बनोगी तो दूध भी पी लेंगे। ये सुन के अवधेश की माँ इस पे बहुत भड़क जाती है। तो सिमरन बोलती है आप रहने दें हम हैंडल कर लेंगे इन्हें। अब सिमरन उसका कान पकड़ के ऐसा खींचने लगती है कि शायद उसका कान ही अलग हो जाता और फिर समर सॉरी वोरी बोल के वहाँ से फिर से निकल जाता है। अब यहाँ तेज भैया सिमरन की फोटो देखते देखते अपनी बीवी के साथ सेक्स कर रहे थे लेकिन ये सेक्स कम रेप ज़्यादा लग रहा था। तभी इसकी बीवी को सिमरन का फोटो देख लेती है और बोलती इतना घटिया आदमी अपने ही भाई की बीवी पे डोरे डाल रहा है। अवधेश भैया उनसे प्यार करते हैं आपकी तरह ठरक नहीं मिटाते और भी बहुत कुछ उसने अपने पति को चिल्लाया। तो तेज बोलने लगता है 5 साल में एक बच्चा तो दे नहीं पाई। तो ये बोलती है बच्चा होगा भी नहीं क्योंकि अगर होगा तो भी तुम्हारे जैसा होगा। अब यहाँ अगली सुबह अवधेश सो रहा होता है और सिमरन मस्त नहाकर आती है और अवधेश को जगाती है और बोलती है आज संडे है आज हमारा टाइम है आज तो कुछ कमाल करके दिखाइए। तो अवधेश बोलता है क्यों नहीं आज तो हम अपने प्यार का आपको पूरा फैमिली पैक खिलाएंगे। तो सिमरन बोलती है पहले एक प्यार का टॉफी तो खिलाएं और बोलती है जाओ पहले ब्रश करके आओ। तो अवधेश बोलता है तुमने तो किया है ब्रश ना तो जाओ नीचे शुरू हो जाओ। और जैसे ही सिमरन अवधेश का खोलती है ये बोलती है आप तो उठ गए हैं लेकिन ये कब उठेगा। और तभी कट्टा भैया की बाहर से आवाज आती है और वो अवधेश को बुला रहे थे। तो सिमरन पूछती है ये कौन है। तो अवधेश बोलता है कट्टा भैया। अब ये बाहर कट्टा भैया से मिलने चला जाता है। अब कट्टा भैया बोलते हैं कि पूरा गांव जान गया है कि तुम्हारी बीवी में बहुत कस का आग लगा है तुमसे पूछता भी है कि नहीं तो कब भेज रहे हो भौजी को कि हम खुद ही आए। तो अवधेश बोलता है क्या अनाप शनाप बक रहे हैं भैया। भैया बोलते हैं मिल बांट के खाओ नहीं तो फिर दे दो तलाक साला हम सुहागरात ही मनाते रह गए बस कभी शादी नहीं हुई। तो अवधेश बोलता है लगता है कट्टा भैया आप सुबह सुबह चढ़ा लिए हैं। तो अब कट्टा भैया निकालते हैं कट्टा और बोलते हैं साला सुबह सुबह गोली खाएगा या चाय बिस्किट। तो अवधेश उठा लेता है चाय। कट्टा भैया बोलते हैं कि लाओ मैडम को फिर कभी हवेली पे और वहाँ सब सुख शांति से होगा रहना और देखना और कुछ सीखना हमसे। अब यहाँ घर पे अवधेश और सिमरन फिर से रोल प्ले करते हैं जिसमें अवधेश बना था कट्टा भैया और सिमरन मस्त बेल्ट विल्ट लेके उसे मार रही थी और बोल रही थी क्या रे साले कट्टा दूसरों की बहन बेटियों पे नज़र उठाता है और हमको खाना चाहता है तू ले खा नाम कट्टा और काम कुत्ता और सुन वो जो सिम है ना वो जुम्मे से कुत्तों के मुंह नहीं लगती। तो अवधेश बोलता है अरे सिम बस करो मार मार के हमको बुखार चढ़ा दोगी। तो सिमरन बोलती है चुप करो कट्टा तुम्हारी तरह नहीं ना ही वो शरीफ है और ना ही तुम्हारी तरह नामर्थ कट्टा बन के तो कुछ करो पूरा मूड ऑफ कर रहे हो। और अब अवधेश भी शुरू हो जाता है लेकिन अवधेश का शुरू होने से पहले ही हो जाता है वजह से सिमरन और उदास हो जाती है। तो अब सिमरन गुस्से में बोलती है कि तुम क्या रक्षाबंधन वाले दिन पैदा हुए थे क्या हमरे जैसी माल बीबी अगर उस कट्टा को मिली होती ना तो वो माला माल हो जाता। अवधेश बोलता है अरे सिमरन हम भी होंगे कामयाब एक दिन अब चलो अब अपने वाले सिस्टम पे आ जाते हैं। और अब अवधेश सिमरन के नीचे जाकर अपने जीप से शुरू हो जाता है और बस इसी तरह सिमरन अपना काम चला रही थी बाहर इसकी माँ खड़े फिर से मुंह बना रही थी और वहीं हो जाता है एपिसोड खत्म।
अगला एपिसोड के लिए वेट करें, अगला एपिसोड जल्दी लेकर आएंगे। तो इसी के साथ वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।